अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माय प्लेमेट की एक्सरसाइज बी एक्टिविटी है वर्किंग विद वर्ड्स। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग आर। कह रहा आप क्या सोचते हैं कि ये सब जो नीचे दिए गए हैं ये क्या है। उन्होंने हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस दी हैं, कुछ वजाहत करके कुछ चीज़ों के बारे में बताया है। हमने गेस करना है ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया गया है। समथिंग कोई चीज़ विच ग्रोज जो कि बढ़ती है, इट हैज़ लीव्स और पत्ते रखती है एंड ब्रांचेस और शाखें रखती है। ऐसी चीज जो बढ़ती है, जो उगती है, पत्ते रखती है और शाखें रखती है। ऐसी क्या चीज है हमारे इर्द गिर्द? ट्रीज। ट्रीज क्या है? वो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, फिर उन पर लीव्स आते हैं और फिर उनकी ब्रांचेस बनती हैं। तो फर्स्ट वन का क्या हो जाएगा? ट्रीज। बी है समथिंग मेड ऑफ लेदर, कोई चीज मेड ऑफ लेदर, चमड़े से बनी हुई, विच गोज ऑन द फीट, जो पैरों पर जाती है। पैरों पर जाती है मतलब पैरों में पहनी जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि चमड़े से बनती है और पैरों पर पहनी जाती है? वो है शूज। उसके बाद है समथिंग टू मेक क्लॉथ्स फ्लैट आफ्टर वॉशिंग देम, ऐसी कोई चीज जो कि कपड़ों को धोने के बाद उनको सीधा करने के लिए इस्तेमाल की जाए। तो वो क्या है? आयरन। इस्त्री जो है वो ऐसी चीज है जो कि कपड़ों को धोने के बाद उनको सीधा करने के, फ्लैट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो क्या है? आयरन। उसके बाद है सम पीपल वेयर दिस ऑन देयर नोजेस टू हेल्प देम सी बेटर, सम पीपल कुछ लोग वेयर दिस इसको पहनते हैं ऑन देयर नोजेस अपने नाक पर टू हेल्प देम उनकी मदद के लिए सी बेटर बेहतर देखने में। कुछ लोग इसे बेहतर देखने में मदद हासिल करने के लिए इसे अपनी नाक के ऊपर पहनते हैं। ऐसी क्या चीज है जो कि फिर आप अपनी नाक पर पहने तो वो आपको बेहतर देखने के लिए आपकी मदद करती है? वो है ग्लासेस, चश्मे, नजर के चश्मे जो कि आपको बेहतर देखने के लिए आपकी मदद करते हैं। और आप उनको किस पे पहन? नोज पे पहनते हो। तो यहां पे आ जाएगा ग्लासेस। उसके बाद है व्हाट्स द डिफरेंस, क्या फर्क है? हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने बताना है इनमें फर्क क्या है। वंडर है और वेंडर है, साइट और साइट है, पुडल्स और पैडल्स है। वंडर होता है हैरान होना, सोचना। वेंडर होता है आवारा, घूमना, इधर उधर घूमना। साइट होता है नजारा या नजर, और यह दूसरी वाली, दूसरा वाला जो साइट है उसको कहते हैं जगह या मौका। पुडल्स, पुडल्स कहते हैं जोहड़ या छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे पूल जो कि बारिश के बाद बन जाते हैं। और पैडल्स कहते हैं छोटे छोटे ब्लेड्स जो कि किसी चीज को घुमाने के लिए रोटेट, उनको रोटेट करते हैं किसी चीज को मूव करने के लिए। ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस वंडर और वेंडर, वंडर में और वेंडर में क्या डिफरेंस है? वंडर मींस सोचने का मतलब है, वंडर का मतलब है टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना। वंडर का मतलब है टू थिंक, सोचना अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में। एंड वेंडर, वेंडर मीन्स टू ट्रेवल विदाउट डेस्टिनेशन, किसी मंजिल के बगैर सफर करना, कि आप किसी मंजिल के बगैर बस चलते जा रहे हो, आपको नहीं पता आपने कहाँ जाना है। तो फिर आप क्या है कि आप आवारा घूम रहे हैं, कि फजूल घूमना, आवारा गर्दी करना, उसे क्या कहते हैं? वेंडर। वेंडर मीन्स टू ट्रेवल, सफर करना विदाउट बगैर डेस्टिनेशन, मंजिल के, किसी भी मंजिल के बगैर जो है सफर करना, उसको कहते हैं वेंडर। और वंडर किसको कहते हैं? किसी भी चीज के बारे में सोचना। साइट और साइट, पहला वाला जो SIGHT वाला साइट है उसका मतलब क्या है? कि किसी चीज को देखना या किसी चीज को देखने की काबिलियत। साइट एक होता है नजारा और एक होता है साइट नजर, आई साइट हमारी नजर, काबिलियत हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, हमारे अंदर किसी चीज की एबिलिटी होना, देखने की एबिलिटी होना। तो साइट मीन्स समथिंग दैट इज सीन, ऐसी चीज जो कि देखी जाती है या मंजर, और या फिर द एबिलिटी टू सी या फिर देखने की काबिलियत। साइट का मतलब नजर भी हो सकता है और मंजर भी हो सकता है, कि ऐसी चीज जो कि देखी जाती है, देखा किसको जाता है? मंजर को। और या फिर ऐसी चीज, ऐसी एबिलिटी, देखने की एबिलिटी को भी कहते हैं साइट। और दूसरा जो साइट है, साइट मीन्स अ प्लेस वेयर समथिंग स्टैंड्स, ऐसी जगह जहां पर कोई चीज पाई जाती है। साइट जगह या मौका, ऐसी ऐसी जगह जहां पर कोई चीज पाई जाती है। पुडल्स और पैडल्स, पुडल्स कहते हैं छोटे छोटे पूल्स, छोटे छोटे तालाब पानी के, जो कि बारिश जब बरसती है तो उसके बाद बनते हैं।
और पैडल्स कहते हैं छोटे छोटे ब्लेड्स जो कि किसी बाइसाइकिल या किसी बोर्ड को रोटेट करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, उनको रोटेट करके उस बाइसाइकिल या उस बोर्ड को मूव ऑन किया जाता है। पुडल्स आर स्मॉल पूल्स, छोटे तालाब हैं ऑफ वाटर, पानी के, विच ऑफन जो अक्सर फॉर्म बन जाते हैं आफ्टर द रेन, बारिश के बाद। पुडल्स जोहर जो हैं वो छोटे छोटे तालाब हैं पानी के जो अक्सर बारिश के बाद बन जाते हैं। पैडल्स, पैडल्स आर शॉर्ट ब्लेड्स, छोटे ब्लेड्स हैं, विच आर रोटेटेड जो कि घुमाए जाते हैं टू मूव अ बाइसाइकिल, एक बाइसाइकिल को हरकत देने के लिए। पैडल्स छोटे छोटे ब्लेड हैं, छोटे ब्लेड्स हैं जो कि एक बाइसाइकिल को हरकत देने के लिए घुमाए जाते हैं। डायरी है पेज नंबर 50, बी एक्टिविटी का फर्स्ट और टू वाली, जो ये टू वाली है और जो फर्स्ट वाली, ठीक है, और जिसने हमने गेस किया था कि ये सारी जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये किन वर्ड्स से रिलेटेड है, और नीचे है कि इनमें वर्ड से डिफरेंस, कि दो दो वर्ड्स हमें दिए, हमने बताना था कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ये दोनों एक्टिविटीज जो है, दोनों क्वेश्चंस हम उनको आपने लर्न करने हैं। उसके साथ जो होमवर्क में आपने राइट करना है वो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, बी एक्टिविटी का सेकेंड वाला क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस वाला, उसको आपने राइट करना है। बाकी जो दोनों क्वेश्चंस हैं उनको लर्न करना है।